गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है बहुत अच्छा, विंडोज 7। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स हमने लिखा है विंडोज का छोटा सा डिफाइन लिखा है। विंडोज इज अ वेरी स्पेशल सॉफ्टवेयर, इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। Windows is a software that helps you operate your computer and work on other software such as application software, software is called operating system। यानी इसको सॉस में स्टूडेंट हम लोग पढ़े हुए हैं, OS कहते हैं। When you switch on the computer, the Windows operating system starts. It displays a picture called Windows flag. क्या कहते हैं उसको? अब इसको हम लोग समझेंगे एक बार अच्छे से। तो Windows वैसा स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम सिस्टम का हर सॉफ्टवेयर को आसानी से कंट्रोल और ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। डिटेल्स में तो विंडोज सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है स्टूडेंट, फिर जान लीजिए। इससे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक नहीं है। हाँ, आपको पहले भी बता रहा है, मैक ओएस भी ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का है, फेमस है, लेकिन सबसे ज्यादा कम खर्च में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज का ही है। उसका अलग अलग वर्जन है, जैसे आप लोग विंडोज 7 पढ़ रहे हैं, विंडोज 8 भी है, विंडोज 10 भी है, XP भी है, ये सब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। इसके ओनर है बिल गेट्स। तो हम लोग जो है विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम लोग सिस्टम जब भी परचेजिंग करते हैं तो दुकान वाले शॉपकीपर जो भी होते हैं वह उसको इंस्टॉल करके प्री इंस्टॉल करके आप लोग को देते हैं या हमको भी देते हैं, ठीक है। उसका अलग अलग वर्जन है। 2015 में विंडोज का सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है वह लॉन्च किया था 2015 में, वह क्या था? विंडोज 10। अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट्स। हाँ, लेकिन इसका एक छोटा सा हमको एडवांटेज तो बहुत है, डिसएडवांटेज बहुत छोटा सा हम आपको बता रहे हैं कि इस मोड में DOS मोड सपोर्टिंग क्षमता लगभग खत्म कर दी गई है। यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर जहां से स्टार्ट किया गया था DOS मोड में, स्टूडेंट्स आपको बता देते हैं छोटा सा कि DOS मोड था, इस ऑपरेटिंग सिस्टम DOS मोड में क्या था, कंप्यूटर खुलता था ब्लैक स्क्रीन पे खुलता था, उसमें GUI मोड नहीं था, वहां पे कंप्यूटर खुलता था और उसमें हम कमांड प्रॉम्प्ट से यूज करते थे। वहां कोई साउंड म्यूजिक प्ले नहीं होता था, वीडियो भी प्ले नहीं होता था, कमांड प्रॉम्प्ट लिखते थे। अगर एज फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर हमको कॉपी करना है तो हम कॉपी करने के लिए कमांड लिखते थे कॉपी कॉल, मतलब उसका मतलब कॉपी हुआ, और फिर जहां पेस्ट करना है उसके लिए कमांड लिखते थे। ऐसा बहुत सारा कमांड है, हालांकि अभी भी इसका इस्तेमाल किया जाता है लेकिन बहुत ज्यादा कम है। अब हम आते हैं, ये था 2015 में हम जो बताया आपको कि विंडोज 10 आया। जब भी हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही कंप्यूटर को हम स्विच ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है, ऑन होना शुरू हो जाता है, ऑन होता है और फ्यू सेकेंड जब वो ऑन होता है तो डिस्प्ले पर जो पिक्चर देता है, हमने वही आपको बताया, उसको बोलते हैं विंडोज फ्लैग। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? विंडोज फ्लैग बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वेलकम स्क्रीन आता है, डेस्कटॉप आइकन, जैसे ही वेलकम स्क्रीन आता है, लिखते हैं हम यहाँ पर स्क्रीन लिखे द मेन स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर कंप्यूटर स्टार्ट। यानी कंप्यूटर पर जब भी पहला स्क्रीन जो स्टार्ट होता है वह स्टूडेंट आपका कहलाता है डेस्कटॉप कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग जो है डेस्कटॉप के कुछ आइकन देखेंगे। क्या देखेंगे? डेस्कटॉप का कुछ आइकन देखेंगे। ये छोटा सा हमने मॉनिटर बनाया स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे थोड़ा सा हमने मॉनिटर बनाया, ठीक है। सबसे पहले तो डेस्कटॉप को तीन भाग में बांटा गया है, डेस्कटॉप कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, ऑफ थ्री पार्ट। स्टूडेंट्स ये तीन पार्ट कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो पहला, सबसे पहला है आइकन, सबसे पहला है आइकन। उसके बाद क्या है डेस्कटॉप का आइकन, के बाद है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप डेस्कटॉप बैकग्राउंड। उसके बाद आता है टास्क बार, इसको कहते हैं रिसाइकल बिन। ये है आपका कंट्रोल पैनल, यहां से सिस्टम कंट्रोल किया जाता है। ये जानते हैं स्टूडेंट्स क्या है ये कंट्रोल पैनल है, ये आप देखते होंगे डिस्क पीसी या माई पीसी नाम का एक फोल्डर रहता है, चलिए हम यहां डिस्क पीसी लिख देते हैं। इसमें स्टूडेंट्स क्या था, जब इसको खोलते हैं तो इसमें आपको म्यूजिक डाउनलोड डॉक्यूमेंट वीडियोस करकर एक फाइल खुलता है। उसके बाद यहाँ पर ये आइकन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे ज्यादातर आप देखते होंगे कि कोई भी ब्राउजर रहता है, कोई भी ब्राउजर रहता है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। ये स्टार्ट मेन्यू है, स्टार्ट मेनू है। स्टार्ट मेनू विंडो 7 में राउंड शेप का था, विंडो 8 और विंडो 10 में स्टूडेंट ऐसे ही आएंगे तो उसका शेप इस तरह से हो गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, थोड़ा चेंजिंग है विंडो में, जब विंडो अपडेट होता है तो कुछ ना कुछ नया फीचर देता है। इसको बोलते हैं सिस्टम ट्रे, यहां पे होता है इसको बोलते हैं स्टूडेंट सिस्टम ट्रे। क्या बोलते हैं सिस्टम ट्रे, इस सिस्टम ट्रे में क्या होता है, वॉल्यूम रहता है, आपको नेटवर्क का सिग्नल रहता है साइन, और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन रहता है, नोटिफिकेशन रहता है, और आप चाहे तो इसमें और भी कोई फीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है आज जो है यही पे क्लास को ओवर करेंगे, कल हम लोग जानेंगे आइकन्स होता क्या है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड में क्या कर सकते हैं, टास्क बार में क्या कर सकते हैं, ये सब चीज देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये छोटा सा क्लास जो है विंडो 7 का, इसको फिर से एक बार हम आपको रिकैप में बता देते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज विंडो, विंडो क्या होता है वो हमने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो दिखाया, उसके बाद हमने आपको दिखाया विंडोज फ्लैग, फिर हमने आपको बताया डेस्कटॉप किसे कहते हैं, फिर हमने डेस्कटॉप पर जो फर्स्ट स्क्रीन अपीयर होता है उस स्क्रीन को आपको बताकर बताया कि कौन कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, और जब फर्स्ट स्क्रीन ओपन होता है तो वो सिस्टम में दिखाता है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है फिर आगे का चैप्टर के आगे का भाग